YouTube चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर से हरियाणा करंट अफेयर की जो डेली क्लास रहती है मेरी, आज फिर से क्लास लेकर के आपके सामने आया हूँ। हर रोज़ 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं न्यूज़पेपर में, जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को मैं हर रोज़ करवाता हूँ। साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाता हूँ, साथ में हरियाणा जीके और साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी साथ साथ में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, ये रहा पहला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन, नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोबारा से फिर क्वेश्चन पढ़िए आप, हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र है वह स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा होगा, ऑप्शन ए हथवाला, क्या है ऑप्शन ए क्या है, हथवाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हथवाला ही इसका राइट आंसर होगा भी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, हथवाला इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन को अलग अलग उठाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा होगा हसनपुर, दूसरा ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा होगा कौन सा, हसनपुर, ठीक है, हसनपुर के बारे में बताएंगे। तीसरा ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा होगा कौन सा, नीलावली, कौन सा, नीलावली, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन आपके नजर आ रहा होगा कौन सा है, हिब्बतपुर भी, कौन सा भी, हिब्बतपुर। इन सब ऑप्शन के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, इन सभी ऑप्शनों के बारे में। सबसे पहले आपके सामने दिखाई दे रहा होगा हथवाला, हथवाला में क्या राज्य का पहला आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। ये हथवाला कहाँ पड़ता है, ये जींद में पड़ता है भी। बात करें कौन सा हथवाला की, कौन से हथवाला की हम बात करें, हथवाला कहाँ पड़ता है, जींद में पड़ता है, कहाँ पड़ता है भी, जींद में पड़ता है। यहाँ क्या होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, कविता ढांडा, कौन है भी, कविता ढांडा, ढांडा के द्वारा इस गांव में क्या आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र है वो स्थापित करने का क्या लिया गया है, निर्णय लिया गया है। ये आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक आंगनबाड़ी क्या होते हैं, इसको क्या कंप्यूटराइज किया जाएगा भी, इस गांव की जो आंगनबाड़ी है उसको क्या किया जाएगा, कंप्यूटराइज किया जाएगा। और उसके बाद में कंप्यूटराइज करने के बाद में क्या हो जाएगी, ये डिजिटल हो जाएगी भी, क्या हो जाएगी, ये डिजिटल हो जाएगी। इसके बाद में क्या हो जाएगी, आधुनिक आंगनबाड़ी के अंदर क्या स्थापित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री होते हैं उनके द्वारा ये आधुनिक केंद्र के जो आधुनिक आंगन का जो केंद्र है वो स्थापित किए जाते हैं। इनको क्या आधुनिक जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनको क्या लिया जाता है, गोद लिया जाता है भी, क्या लिया जाता है, गोद लिया जाता है उनको, क्या लिया जाता है भी, गोद लिया जाता है उन जो आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र है उनको क्या, गोद लिया जाता है। तो हरियाणा राज्य की जो पहली आंगनबाड़ी जो केंद्र है, आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया जाएगी, वो किया जाएगी हथवाला में। वो हथवाला कहाँ पड़ता है, जींद में पड़ता है, कहाँ पड़ता है भी, जींद में पड़ता है। महिला बाल विकास मंत्री कविता ढांडा के द्वारा, किसके द्वारा, कविता ढांडा के द्वारा ये घोषणा की गई कि इस गांव को क्या गोद लिया गया, और उस गोद लेने के बाद में इस गांव में क्या अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र है वो स्थापित करने का क्या लिया गया है, निर्णय लिया गया है। इसके साथ में सेकंड ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा हसनपुर, ठीक है। हसनपुर दो पड़ते हैं भी, हसनपुर एक तो सोनीपत में पड़ता है, एक पलवल में पड़ता है, दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो कहाँ पड़ता है, हसनपुर की बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सोनीपत वाले की, कहाँ की बात कर रहे हैं, हसनपुर कहाँ पड़ता है, कि सोनीपत में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, सोनीपत में पड़ता है। यहाँ पर क्या देश की प्रथम क्या आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित की गई थी, देश की प्रथम है आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र है वो स्थापित की गई थी, किसके द्वारा स्थापित की गई थी, ये बात करें, ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी, कि महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा ये क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। ये आंगनबाड़ी जो केंद्र स्थापित किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा किए जाते हैं। उस टाइम में जब देश की प्रथम आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र जो स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था, सोनीपत के, कहाँ,
हसनपुर में स्थापित किया गया। देश का, भारत का प्रथम जो आंगनबाड़ी केंद्र, आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें तो कहाँ, सोनीपत के हसनपुर में स्थापित किया गया था। और किसने किया था, मेनका गांधी ने भी, किसने किया था भी, मेनका गांधी ने, किसने भी, मेनका गांधी ने स्थापित किया था। डेट की बात करें तो 24 जून भी, कब की बात करें, 24 जून 2015 को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था ये, 24 जून 2015 को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था 24 जून 2015 को, कब भी, 24 जून 2015 को, किसके द्वारा, मेनका गांधी के द्वारा, महिला बाल विकास मंत्री के द्वारा, हसनपुर जो सोनीपत के हसनपुर है वहाँ पर क्या, देश की प्रथम आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र है वो क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। उसके बाद में सेकेंड थर्ड सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या, नीला वाली, क्या, नीला वाली, हम नीला वाली की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नीला वाली की, नीला वाली, नीला वाली, नीला वाली, ये कहाँ पड़ता है भी, ये सिरसा में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ये सिरसा में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, सिरसा में पड़ता है। कुछ क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा का पहला कैशलेस गाँव, क्या भी, हरियाणा का, किसका भी, हरियाणा का, हरियाणा का क्या प्रथम, हरियाणा का प्रथम, प्रथम क्या भी, केसलेस गांव पूछ लिया जाए, केसलेस गांव पूछ लिया जाए, कौन सा भी, नीला वाली है, कहां पड़ता है, सिरसा में, एलनावा तहसील है उसमें पड़ता है, केसलेस गांव, हरियाणा का पहला केसलेस गांव की हम बात करें तो कहां पड़ता है, सिरसा में पड़ता है, ठीक है। प्रथम केसलेस गांव कौन सा, नीला वाली भी, कौन सा, नीला वाली, जो जो सिरसा की हम बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिले की बात करें तो कौन सा है भी, सिरसा है, कौन सा है, सिरसा है, क्षेत्रफल के अनुसार हम बात करें तो यहाँ पे क्या, प्रथम केसलेस गांव की बात करें, प्रथम केसलेस गांव, प्रथम जो केसलेस गांव है वो कौन सा है भी, नीला वाली है, कौन सा है, नीला वाली है। प्रथम केसलेस यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी भी, ठीक है। तो ये जो लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, हेब्बतपुर, हेब्बतपुर की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है भी, जींद में पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, जींद में पड़ता है। नीला वाली कहाँ पड़ता है, सिरसा में पड़ता है। हेब्बतपुर की बात करें, जींद में पड़ता है, ये क्या है, इस गांव में पहला क्या, ग्राम सचिवालय स्थापित किया गया था, क्या किया गया था, ग्राम सचिवालय, क्या, ग्राम सचिवालय, ग्राम सचिवालय क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। कुछ बच्चों को ये भी पता होगा ग्राम सचिवालय क्या होता है, जहाँ पर आपने देखा होगा स्कूल कास्ट, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ऐसे अलग से कोर्स है, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जो भी बनवाने होती है वो आपके गांव में ग्राम सचिवालय होता है, वहाँ पर ई दिशा केंद्र होता है, वहाँ पर भी आप अपना जो मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पटवारी वगैरह से सिग्नेचर करवाना, जो भी कुछ करवाना हो अपने गाँव में ही सब कुछ हो जाता है, तो वो क्या होता है, ग्राम सचिवालय होता है। यहाँ हरियाणा के सबसे पहले कौन से गांव में ग्राम सचिवालय स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था, हेब्बतपुर में, हेब्बतपुर कहाँ पड़ता है, अभी जींद में पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपने को दोबारा भी क्वेश्चन समझ सकते हैं, यानी हरियाणा के, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, हरियाणा के किस गाँव में राज्य का पहला डिजिटल जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, हथवाला में। हथवाला कहाँ पड़ता है, अभी जींद में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, जींद में पड़ता है भी। हथवाला कहाँ पड़ता है, भी जींद में पड़ता है। मैंने बताया था महिला बाल विकास मंत्री यानी कविता ढांडा के द्वारा ये मतलब कि डिसाइड किया गया था, यहाँ इस गांव को गोद लिया गया था, और गोद लेने के बाद में बोला गया था, कंप्यूटराइज किया गया था, यहाँ की जो आंगनबाड़ी केंद्र उसको कंप्यूटराइज किया गया था, और बोला गया गोद लेने के बाद में यहाँ पर आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र वो स्थापित किया गया। दूसरा ऑप्शन आपके दिखाई दे रहा होगा हसनपुर, दिखाई दे रहा होगा हसनपुर, हसनपुर में क्या था, मैंने बताया था ये देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया था मेनका गांधी के द्वारा, किसके द्वारा भी, मेनका गांधी के द्वारा 24 जून 2015 को ये क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। उसके बाद में नीला वाली का मैंने बताया था सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते, ये क्या है हरियाणा राज्य का प्रथम क्या है, केसलेस गांव है भी, कौन सा है, केसलेस गांव है। उसके बाद में हेब्बतपुर की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या है, ये क्या हरियाणा का पहला ऐसा गांव है जहाँ पर क्या ग्राम सचिवालय क्या स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक हम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, मैं इसको साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तब तक आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में टिक्का उत्सव, हरियाणा में टिक्का उत्सव
के दौरान कितने टिक्के लगाए गए थे? हरियाणा राज्य में क्या टिक्का उत्सव बनाया गया था? अभी हाल ही में आपको पता होगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन चलते हैं, साथ साथ में स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन चलते हैं, तो आपको पता होगा हरियाणा में क्या टिक्का उत्सव बनाया गया था। ठीक है, तो उस टिक्के उत्सव में कितने टिक्के लगाए गए थे? ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है, हरियाणा में टिक्का उत्सव बनाया गया था, उसमें कितने टिक्के है वो लगाए गए थे? उसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 6.37 लाख, कितने भी 6.37 लाख क्या टिक्के लगाए गए थे, कितने भी 6.37 लाख है वो क्या टिक्के लगाए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। जो टिक्का उत्सव है ये क्यों लगाया गया और ये कब तक लगाया गया, ये टिक्का उत्सव है ये 11 अप्रैल से कब से भी 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लगाया गया भी 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये लगाया गया था। कौन सा भी टिक्का उत्सव, कौन सा भी टिक्का उत्सव की हम बात करें, टिक्का उत्सव की हम बात करें तो कब से कब तक, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लगाया गया था। तो ये था क्वेश्चन, लेकिन इसके बारे में पूरी की पूरी कहानी खत्म करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये क्यों लगाया गया था, कोविड-19 के लिए भी, किसके लिए भी, कोविड-19 के लिए, आपको पता होगा अभी कोविड-19 के लिए ये टिक्का लगाया गया था। ठीक है, बात कर रहे हैं तो हरियाणा का पहला टिक्का किसके लगा था, तो पूनम के लगा था भी, किसके भी, पूनम के लगा था, जो क्या थी, सफाई कर्मचारी थी भी, क्या थी, सफाई कर्मचारी थी, पूनम के लगा था जो क्या थी भी, सफाई कर्मचारी थी भी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोविड-19 का जो टिक्का उत्सव बनाया गया था वो कब से कब तक, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये बनाया गया था। इसके बाद में बात करते हैं 11 अप्रैल को क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 11 अप्रैल को क्या होता है, ज्योतिबा फुले जयंती होती है भी, ज्योतिबा फुले जयंती होती है, फुले जयंती होती है अभी, ज्योतिबा फुले जयंती होती है, ये बहुत ज़्यादा क्या आते हैं, समाज सुधारक थे, ज्योतिबा फुले जयंती के रूप में बनाया जाता है, कब भी 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले के रूप में, जयंती के रूप में हम मनाते हैं। और इनकी पत्नी थी, इनकी एक पत्नी थी जिनका क्या नाम था, सावित्रीबाई फुले, इनकी पत्नी थी, पत्नी क्या था उनका नाम था क्या, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले कौन थी ये आपको पता होगा, सावित्रीबाई फुले कौन थी, ये क्या थी, प्रथम क्या थी, महिला अध्यापिका, प्रथम महिला अध्यापिका थी भी, प्रथम महिला क्या थी, अध्यापिका थी, कौन थी, सावित्रीबाई फुले की हम बात करें तो कौन थी, प्रथम महिला अध्यापिका थी ये, प्रथम महिला क्या थी, ये अध्यापिका थी। टिक्के कितने लगे थे, 6.37 लाख टिक्के लगे थे। टिक्का उत्सव कब से कब तक बनाया गया था, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बनाया गया था। 11 अप्रैल को क्या होते हैं, ज्योतिबा फुले जयंती के रूप में बनाए थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था, सावित्रीबाई फुले था, क्या था भी, सावित्रीबाई फुले था, उस वो कौन थी, प्रथम महिला अध्यापिका थी भी, कौन थी वो, प्रथम महिला अध्यापिका थी, कौन थी भी, प्रथम महिला अध्यापिका थी। उसके बाद में 14 अप्रैल का हम जिक्र कर लेते हैं, 14 अप्रैल को क्या होता है, 14 अप्रैल का हम जिक्र कर लेते हैं, 14 अप्रैल का क्या होता है, बी आर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जयंती होती है, भीमराव अंबेडकर क्या होती है जयंती के रूप में बनाया जाता है, भीमराव अंबेडकर को जयंती के रूप में बनाया जाता है, कब, 14 अप्रैल को क्या होता है, 14 अप्रैल को, और क्या होता है भी, समानता दिवस होता है भी, क्या होता है, समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, किसको भी, 14 अप्रैल को हम जिक्र करें तो समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर जयंती भी है, और भीमराव अंबेडकर की ये कौन सी जयंती थी, 130वीं जयंती थी भी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 130वीं क्या जयंती थी, जो भीमराव अंबेडकर का है, इसको क्या, संविधान का क्या निर्माता बोला जाता है भी, संविधान का जनक किनको बोला जाता है, जनक की हम बात करें, निर्माता की हम बात करें, किसको बोला जाता है, भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है,
भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, संविधान के जनक के रूप में किनकी गिनती होती है? भीमराव अंबेडकर के रूप में इनकी गिनती होती है। 14 अप्रैल को क्या होता है? भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में 14 अप्रैल को जो भीमराव अंबेडकर जो जयंती बनाई गई थी वो कौन सी बनाई गई थी? 130वीं जयंती के रूप में इनको बनाया गया था। और संविधान का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। किनको? भी भीमराव अंबेडकर को इनका क्या जनक है क्या बोला जाता है? भीमराव अंबेडकर को क्या बोला जाता है? अभी जनक बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है चाहे तो आप ले सकते हैं। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए आप, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साफ कर देता हूँ। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके नज़र में आ रहा? हरियाणा सरकार ने, क्वेश्चन क्या है? हरियाणा सरकार ने कितने लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का क्या लक्ष्य रखा गया है? क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए। हरियाणा सरकार ने कितने लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का क्या लक्ष्य रखा गया? आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 8 लाख, ऑप्शन सी 9 लाख, ऑप्शन डी 12 लाख। ठीक है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड है, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड है, वो कितने कार्ड बनाने का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो जो लक्ष्य रखा गया है वो कितने रखा गया है? 8 लाख। भी कितने लाख का लक्ष्य रखा गया है? 8 लाख का क्या लक्ष्य है वो रखा गया है। मैं पहले बात बता देता हूँ, पहले ये 2020 में लक्ष्य रखा गया था, 2020 में लक्ष्य रखा गया था 10 लाख का। कितना लाख का रखा गया था? 10 लाख का। लेकिन अभी जो 2021 में जो लक्ष्य रखा गया है वो कितने रखा गया है? 8 लाख का रखा गया है। क्योंकि आपने पता होगा कोविड-19 चल रहा है, उस हिसाब से ये कमी कर दी गई है। पहले इसका लक्ष्य रखा गया था 10 लाख का, अब जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है? 8 लाख का क्या लक्ष्य रखा गया है 2021 में, और 2020 में कितना रखा गया था? 10 लाख का लक्ष्य रखा गया था। क्या है ये आपको पता होगा, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात करें तो ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, घर में जो पशु वगैरह होते हैं उसको लेने के लिए, अलग से पशु रखने के लिए आपको लोन दिए जाते हैं। ठीक है, बैंक की तरफ से क्या लोन दिए जाते हैं, ये किसानों के लिए सुविधा दे रखी है। अलग अलग क्या लोन दिए जाते हैं, आप भेड़ लेना चाहिए, बकरी लेना चाहिए, सुअर लेना चाहिए, गाय लेना चाहिए, कुछ भी लेना चाहिए, उनको तरफ से अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग है क्या जो है लोन है वो निर्धारित किया गया है। अभी कितना लोन आप ले सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात करें, ये दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग है वो रेट है, वो क्या डिसाइड किए गए। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, ये योजना है ये स्टार्ट कब से हुई थी? ये योजना स्टार्ट हुई थी 6 दिसंबर 2019 से। कहाँ से हुई थी, किसने की थी? जेपी दलाल ने। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? भिवानी से। ये क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट की थी? जेपी दलाल ने। ठीक है, कब की थी? 6 दिसंबर 2019 ने। 2019 से ये किसान के लिए पशुधन लोन के लिए ये योजना है ये स्टार्ट की गई थी। अलग अलग के लिए अलग अलग है वो लक्ष्य भी रखा गया है, ये मैं बता देता हूँ आपको। गाय की बात करें, सबसे पहले हम गाय की बात करते हैं, हमें गौ माता की बात करते हैं, गाय के लिए कितना लोन दिया जाता है? 40,783। कितने भी 40,783। अगर भैंस की बात करें, यहीं हम बफेलो यानी भैंस की अगर बात करते हैं, कितने दिए जाते हैं? 60,249। कितने भी 60,249 रुपये दिए जाते हैं। वहीं हम बात करते हैं भेड़ की, हम बात करें किसकी भी भेड़ की बात करें तो 4,063 रुपये दिए जाते हैं। उसी जगह हम सुअर की बात करें, किसकी भी सुअर की बात करें, सुअर की हम बात करें तो कितने दिए जाते हैं? 16,337 रुपये दिए जाते हैं। ये अलग अलग क्या लोन के रूप में क्या राशि दी जाती है, ये अलग अलग क्या लोन के रूप में क्या राशि दी जाती है। केंद्र सरकार की भी स्कीम होती है, ये कितने परसेंट ब्याज दिया जाता है, तो कितने भी 4% के आप ब्याज लिया जाता है, कुछ नहीं होता। अभी वैसे देखा जाए 4% कुछ नहीं होता, उनमें से 3% कौन अभी केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा कितना दिया जाता है? 3% है क्या ब्याज दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा।
हमारे से कितना परसेंट ब्याज लिया जाता है, 4% है वो ब्याज लिया जाता है। ये जो राशि है वो कितने वर्ष के बाद वापस करनी होती है, एक वर्ष के बाद क्या है, एक वर्ष के बाद तो क्या है ब्याज समेत क्या होता है उसमें वापिस करनी होती है। इसमें सब्सिडी भी दी जाती है, वो मेरे को ध्यान नहीं है कितनी सब्सिडी होती है अभी, इसमें क्या सब्सिडी भी दी जाती है, इतनी परसेंट आपको क्या है सब्सिडी रहेगी, ऐसा कुछ भी प्रावधान होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। मुझे उम्मीद आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए भी। अगर फिर भी अगर आपको कोई